हाय देयर दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज के इस क्विक एपिसोड में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि हम टीवी की स्क्रीन पे चलता हुआ कोई भी सीरियल, कोई भी मैच या कोई भी लाइव स्ट्रीम या फिर जो लाइव मैचेस होते हैं वो आप अपने लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कैसे कैप्चर कर सकते हैं। ये जो हम कैप्चर करेंगे ये OBS की मदद से करेंगे और आप सिंपल अपने लैपटॉप में अगर OBS नहीं भी है तब भी कैप्चर कर सकते हैं। दोनों प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन सबसे पहली चीज़ बिफोर स्टार्टिंग द ट्यूटोरियल एक बात आप समझ लीजिए कि ये जो भी हम कैप्चर करने जा रहे हैं वो टेलीविजन पे जो भी स्क्रीन आपके नज़र आती है, टेलीविजन पे कोई भी जो चीज़ आप वीडियो सिग्नल या ऑडियो सिग्नल देखते हैं वो आपका आ रहा होता है सेट टॉप बॉक्स में से। तो एक्चुअली में हम जो कैप्चर करेंगे वो सेट टॉप बॉक्स को कैप्चर करेंगे राइट इन टू योर लैपटॉप स्क्रीन या फिर आपका डेस्कटॉप स्क्रीन। तो ये जो सेटअप मैंने अभी लगाया हुआ है आप इस वाले से देखिएगा, इस तरह का कुछ सेटअप है। यहाँ पर टेलीविजन है और इधर जो है सेट टॉप बॉक्स है और मेरा लैपटॉप यहाँ पर है। क्या क्या चीज़ें लगेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसमें लगना क्या दोस्तों, सबसे पहली चीज़ क्या है जो पूरे ही प्रोसीजर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये है कैप्चर कार्ड। इस कैप्चर कार्ड से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई लिंक पे आप क्लिक करके उसको देख सकते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, अगर मैं दिखाऊं तो पेन ड्राइव के जैसी होती है और अगर इस साइड से देखेंगे आप क्लोजअप में तो ये यहाँ पे ना HDMI का ऑप्शन होता है। ये HDMI इन यानी कि HDMI सिग्नल को कैप्चर करती है और उसको चेंज कर देती है USB 3.0 में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसी के थ्रू ये वाला चीज़ होगा। सबसे पहली चीज़ लेट मी शो यू द सेट टॉप बॉक्स। सेट टॉप बॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो ये फ्रंट साइड है सेट टॉप बॉक्स की और सेट टॉप बॉक्स के फ्रंट साइड में मैंने ऑलरेडी ऑन इसको कर दिया हुआ है। और सेट टॉप बॉक्स के अगर आप बैक साइड पर देखेंगे तो बैक साइड पर आपको नज़र आएगा कि ये अडॉप्टर है, इसको हमने प्लग इन करा है। इसके बाद यहाँ पे कार्ड ऑलरेडी लगा हुआ है जो भी आपका लगा हुआ होगा जोन से भी सब्सक्राइबर्स का। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक HDMI केबल का इन है, यहाँ पे हम HDMI केबल को इंसर्ट करेंगे। HDMI केबल इंसर्ट कर देने के बाद अगर आपको बाकी चीज़ दिखाऊँ तो ये AV आउट है यानी कि ऑडियो वीडियो आउट। यहाँ पे भी हम ऑडियो वीडियो आउट लगा देते हैं। यहाँ क्यों लगा रहे हैं ये वीडियो के आगे आपको पता चलेगा। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि जो हमने कनेक्शन आपने देखा उस तरह से हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। नाउ जो HDMI केबल हमने सेट टॉप बॉक्स में लगाई है उसका आउट ये रहा, यहाँ पे HDMI का सिग्नल आएगा और इधर ही हम लगाएंगे ये वाला कैप्चर कार्ड। ये कैप्चर कार्ड हम इसके साथ ऐसे अटैच कर देंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये अटैच हो जाने के बाद इसको आपको लगाना है अपने लैपटॉप में या फिर अपने डेस्कटॉप पे या फिर अपने कंप्यूटर में, तो वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। सो ये अब हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब एक्चुअली क्या होगा दोस्तों, ये आप देख रहे हैं इस वाले सेटअप से यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स का सिग्नल हमारे लैपटॉप में आने लगा। कहाँ आने लगा वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। लेट अस डू वन थिंग, अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और कंप्यूटर स्क्रीन पर आने के बाद आपको क्या करना है कि आपका जो डेस्कटॉप बॉक्स का रिमोट है उस रिमोट से आपको जो है अपना ये डेस्कटॉप ऑन कर लेना है। मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया है। अब जो HDMI हमने लगाई है उसका सिग्नल आपके स्क्रीन पे कहाँ पर आएगा, तो देयर आर टू प्लेसेस जहाँ से हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप OBS से वाकिफ हैं तो OBS से जो प्रोसीजर है वो अलग प्रोसीजर है, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। पहले सिंपल प्रोसीजर, अगर आपके पास OBS नहीं है तो आपको सिंपल सी चीज़ करनी है, ये जो लैपटॉप के स्टार्टिंग में है यहाँ पर आना है और यहाँ पर आपको ना कैमरा अपना क्लिक करना है। यहाँ पर मैं कैमरा क्लिक कर रहा हूँ, कैमरा क्लिक करूँगा तो ये वाला एक कैमरा ओपन हो रहा है सामने। तो ये जो कैमरा आप देख रहे हैं ये मेरा डेस्कटॉप का कैमरा जो है कैच कर रहा है। यहाँ ऊपर आप देखेंगे इस साइड पे ये वाला जो रोटेशनल आ रहा है इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर जो चीज़ दिख रही होगी आपको, ये हमारा जो है सेट टॉप बॉक्स कैच कर रहा है। तो दोस्तों ये विद ऑडियो कैच कर रहा होता है। आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा रिकॉर्डिंग का बटन आ रहा है, इस रिकॉर्डिंग पे अगर मैं क्लिक कर दूं, अगर इस टाइम पे ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं दिस इज़ गेटिंग रिकॉर्डेड और ये रिकॉर्ड हो रही होगी 1920x1080p के रेजोल्यूशन में विद ऑडियो। अभी यहाँ पे आपको ऑडियो नहीं सुनाई दे रही होगी, इनफैक्ट अगर आप लैपटॉप पे होंगे तो आपको ऑडियो उस टाइम पे नहीं सुनाई देगी, इसका ड्रॉबैक यही है। वो भी एक्चुअली, लेकिन जो रिकॉर्डिंग हो रही होगी वो बिल्कुल परफेक्ट हो रही होगी, विद ऑडियो रिकॉर्ड हो रही होगी। तो यहाँ पे अभी मैं स्टॉप कर देता हूँ और स्टॉप करके अगर मैं यहाँ पे इसको ओपन करूँ ये वाली वीडियो को, तो देखिएगा यहाँ पे ये वीडियो चलने लगी। देखिए मैं यहाँ पे नीचे प्ले करूँगा, ये वीडियो प्ले हो रही है। तो ड्यू टू कॉपीराइट रीजन अभी मैं इसको कुछ कर नहीं रहा हूँ, छेड़ नहीं रहा हूँ, तो अभी के लिए मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। सो दिस इज हाउ फर्स्ट प्रोसीजर कि आप इस तरह से अपनी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो भी आपका टीवी में चल रहा है दैट कैन बी रिकॉर्डेड इन योर लैपटॉप। सो नाउ व्हाट वी विल डू इज अब हम ओपन कर लेते हैं OBS। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है OBS और OBS के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले नीचे चलते हैं। यहाँ पर इस जगह पे देखेंगे यहाँ पे मैंने एक न्यू सीन क्रिएट कर लिया है। सीन क्रिएट करने के बाद जो सोर्सेज हैं उसमें मैं कुछ ऐड करने वाला हूँ यहाँ पे ऐड करके। व्हाट आई विल डू इज मैं यहाँ पे ऐड करूँगा वीडियो कैप्चर डिवाइस, इसको हम ऐड करेंगे। और वीडियो कैप्चर डिवाइस में डिवाइस नंबर 3 मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट की हुई है,
इसको ओके कर लेते हैं, ये ऑलरेडी हमारी वही वाली आ जाएगी जो कि वीडियो कैप्चर है। देखिएगा पीछे जो है टाटा स्काई का आप देख रहे हैं चलते हुए, हमारा जो ये सेटअप बॉक्स में जो भी चीज़ फीड था वो हमारा लैपटॉप के अंदर कैप्चर हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार के लिए हम ओके कर लेते हैं। तो ये डिसफिगर्ड है, इसको अभी हम राइट क्लिक करेंगे और विल क्लिक ऑन ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म पे जाके हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं फिट टू स्क्रीन। फिट टू स्क्रीन करेंगे तो अब आप यहाँ पे देखेंगे इस जगह पे तो प्रॉपरली ये चीज़ चलने लगी है, यहाँ पे हमारा जो विंडो है वो कैप्चर होने लगा OBS के अंदर। सो दिस इज़ वन थिंग। सेकेंड चीज़ हमें क्या करनी है, आप यहाँ पे देखिएगा इधर जो भी ऑडियोज़ हैं मैंने सारी ऑडियोज़ को यहाँ पे डिसेबल किया हुआ है। डेस्कटॉप ऑडियो डिसेबल्ड है, माइक जो ऑक्स है वो भी डिसेबल्ड है, वीडियो कैप्चर डिवाइस यानी कि इसी की जो वॉइस है वो भी कैप्चर नहीं हो रही है, क्योंकि कैप्चर हो रही होती तो ये बार यहाँ पे मूवमेंट कर रहा होता। तो इसको ये मूवमेंट करे उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू क्लिक अगेन ऑन दिस थिंग। ये जो वीडियो कैप्चर डिवाइस है इसी पर डबल क्लिक करेंगे यानी कि इसकी प्रॉपर्टीज ओपन कर लेंगे। प्रॉपर्टीज ओपन करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे विल स्क्रॉल डाउन, नीचे को स्क्रॉल करेंगे और सबसे लास्ट में देखिएगा यूज कस्टम ऑडियो, आपको यूज कस्टम ऑडियो पे क्लिक कर देना एंड आप देखिएगा ऑटोमेटिकली इसकी ऑडियो आपको आने लगेगी। दोस्तों एक बात समझ लीजिए, ये सारी सेटिंग कर देने के बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे वीडियो कैप्चर डिवाइस 3 का ऑडियो जो है वो परफेक्टली कैप्चर हो रहा है, आपको इस रिकॉर्डिंग में क्यों नहीं सुनाई दे रहा है, इट इज़ ओनली बिकॉज कि मैं एक तो कॉपीराइट से बचना चाहता हूँ, दूसरी चीज़ आपको ये जो गेयर आइकन यहाँ पे आप देख रहे हैं इस गेयर आइकन पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टी में जाएंगे तो यहाँ पे मैंने जो मॉनिटर आप देख रहे हैं मॉनिटर ऑफ किया हुआ है विंडो कैप्चर डिवाइस का, इसको अगर मैं मॉनिटर एंड आउटपुट कर लूँगा तो आपको भी ये रिकॉर्डिंग सुनाई देने लगेगी, वेयर एज इस वीडियो में भी रिकॉर्ड हो जाएगी। तो वैसे अगर आपको पर्पसली बता रहा हूँ कि आपको मॉनिटर एंड आउटपुट रखेंगे तो आप लैपटॉप में भी सुन पाएंगे कि क्या चीज़ चल रही है। इसको यहाँ पे मैं अभी ऑफ कर रहा हूँ क्यों, सो दैट कॉपीराइट का कोई इशू ना आए, तो ये यहाँ पे इसको मैं ऑफ कर देता हूँ और इस तरह से आप पूरी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब रिकॉर्डिंग की आपको मैं एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ, अभी जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ यहाँ पे बस आपको ये सब सेट कर लिया आपने OBS में और अब आप इस साइड पे देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन आ रहा है, यू विल जस्ट हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट रिकॉर्डिंग। स्टार्ट रिकॉर्डिंग करते ही अब ये जो आप ऊपर वीडियो देख रहे हैं वो सब रिकॉर्ड हो रही है विद इट्स ऑडियो। यस, जो भी आप टेलीविजन पे देखते हैं वो सब रिकॉर्ड होने लगेगा यहाँ पर। और अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देता हूँ मैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग करके अगर मैं इसको आपको ये वाली रिकॉर्डिंग दिखाऊं अगर तो देखिएगा ये वाली रिकॉर्डिंग यहाँ पर ऑलरेडी ऑप्शन अवेलेबल है, इस पर अगर मैं डबल क्लिक करूंगा तो आप देखिएगा यहाँ पर रिकॉर्डिंग ये चलने लगेगी। इसको कॉल दीजिए अपने रिमोट पर 307। तो आप समझ जाइए कि टेलीविजन की कोई भी रिकॉर्डिंग है दैट कैन ईजिली बी कैप्चर्ड, वो कैप्चर की जा सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अभी इसको यहाँ पे ऑडियो ऑफ कर लेते हैं, कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड चीज़ जो कि मैंने ट्यूटोरियल के स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि जहाँ पे मैंने सेटअप बॉक्स के पीछे ऑडियो वीडियो की जो वायर्स हैं वो भी लगाई थी, उनको क्या कर सकते हैं आप अपने LCD टीवी के अंदर LED टीवी के अंदर पीछे लगा सकते हैं। यानी कि इस टाइम पे अगर मैं बात करूँ तो आई एम कैप्चरिंग दिस सेटअप बॉक्स इनटू माय लैपटॉप ऑल्सो, और साथ ही साथ हम टेलीविजन भी ऑन करेंगे तो उसमें भी आपको जो है सेटअप बॉक्स का फीड नज़र आने लगेगा। मैं LED टीवी अभी ऑन करके आपको दिखाता हूँ। सो इफ़ यू सी हेयर, यहाँ पर ऊपर जो स्क्रीन चल रही है सेम स्क्रीन जो है अगर आप इससे देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑन हो चुकी है। तो दिस कैन ईजिली बी डन, ये चीज़ एक्सटर्नल कैमरे से आप रिकॉर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है और टेलीविजन पे ये चल रहा है। और अगर इसी के साथ में अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो कंप्यूटर के अंदर आप देख पा रहे हैं ये वाला चीज़ कैसे रिकॉर्ड हो रहा है। सो दोस्तों दिस इज़ हाउ दिस कैन ईजिली बी डन। तो दोस्तों इस वीडियो में आपने जान लिया कि कैसे आप कैप्चर कर सकते हैं अपने सेटअप बॉक्स को इन योर लैपटॉप और इन योर PC। तो दिस इज़ हाउ कोई भी लाइव रिकॉर्डिंग आप स्ट्रेट अवे अपने जो है लैपटॉप में कैप्चर कर सकते हैं यूजिंग द कैप्चर कार्ड जो कि मैंने आपको दिखाया। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।